हेलो दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो इसलिए खास है कि हम सभी ओम के नियम के बारे में तो लगभग जानते हैं, लेकिन काफ़ी बार हमारे ये कन्फ्यूज़न रहता है कि ओम के नियम में वी प्रोपोर्शनल टू आई होता है या आई प्रोपोर्शनल टू वी होता है। तो काफ़ी जगह हमें आई प्रोपोर्शनल टू वी भी पढ़ने को मिलता है और काफ़ी जगह वी प्रोपोर्शनल टू आई भी मिलता है। तो मैंने ये वीडियो यही सोच के बनाया है कि इन फ्यूचर आपके कभी कन्फ्यूज़न ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नेटवर्क के अंदर मैंने आप लोगों को एक ये सप्लाई वोल्टेज दिखाया है और इसके अंदर सप्लाई करंट दिखाई है, ठीक है यहाँ तक। अब क्या है कि इस करंट की सप्लाई करंट की उत्पत्ति जो है ये किसकी वजह से उत्पन्न हुई, ये इस सप्लाई वोल्टेज की वजह से उत्पन्न हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि आई एस प्रोपोर्शनल टू वी एस, क्योंकि आई एस का इस वी एस के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है यहाँ तक। आई प्रोपोर्शनल टू वी। अब दूसरा हम बात करते हैं, ये करंट जो है इस रेजिस्टेंस के थ्रू इस तरह से पास हो रही है तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, जिसको हम वी आउटपुट वोल्टेज मान लेते हैं या वोल्टेज ड्रॉप मान लेते हैं। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये इस सप्लाई करंट के प्रोपोर्शनल होगी। तो ये जो है वी प्रोपोर्शनल टू आई हो गया और इधर जो है आई प्रोपोर्शनल टू वी हो गया। लेकिन दोनों का जो मतलब है, ये जो है इन टर्म्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई करंट के अंदर है और ये जो है वोल्टेज ड्रॉप जो है वो सप्लाई करंट और आउटपुट वोल्टेज के प्रोपोर्शनल है। तो मैं सोचता हूँ कि अब आपके आई और वी में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। यदि कोई कन्फ्यूज़न फिर भी है तो प्लीज़ आप अपना सुझाव या आपका सवाल कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।